हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डाटा माइनिंग। जैसे इसके नाम से ही हमें पता है, डाटा की माइनिंग करनी है। माइन क्या होता है? जैसे माइंस में हम बोलते हैं, माइंस में काम कर रहा है कोई, खोदना, डिगिंग करना, यानी देखने के लिए कि क्या है, तो उसको डिग खोदते रहते हैं। यानी उसी तरीके से डाटा की माइनिंग करना मतलब उसको एनालाइज करना, उसमें से क्या नॉलेज है उसके अंदर, उसको एक्सट्रैक्ट करना इज डाटा माइनिंग। सो व्हाट इज डाटा माइनिंग? इसकी पूरी मैं डेफिनेशन बोलती हूँ आपको। इट इज अ कंप्यूटराइज्ड असिस्टेड प्रोसेस ऑफ डिगिंग थ्रू एंड एनालिसिस द सेट ऑफ डाटा एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंग आउट ऑफ इट। अच्छे से कोई भी डाटा आपको दिया, उसको एनालाइज करना, उसमें से नॉलेज को आपने गेन करना है। डिगिंग मतलब अंदर से अंदर उसमें जानना है कि क्या चीज है क्या नहीं, एनालाइज करना उस सेट को, और उसमें जो भी मीनिंग है यानी क्या मतलब है उस चीज का, उसको एक्सट्रैक्ट करना डाटा माइनिंग कहलाता है। अब इसमें क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सिस्टम इन डाटा माइनिंग। मैंने शॉर्ट में लिखा है डाटा माइनिंग, ठीक है। तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज नाउ रिक्वायर्ड इन ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ। द अल्टीमेट गोल ऑफ डाटा माइनिंग इज एक्सट्रैक्शन द नॉलेज फ्रॉम अ गिवन डाटा बेस एंड देन कन्वर्ट इट इन टू अंडरस्टैंडेबल फॉर्म फॉर इट फर्दर यूज। यानी डाटा माइनिंग का अल्टीमेट गोल क्या है कि हमने नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करना है किसी एक डाटा बेस में से। आपको कोई भी एक डाटा दे दिया किसी भी तरीके का, उसमें से आपने इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है और उसको कन्वर्ट करना है कि आगे फर्दर कोई उस चीज को यूज कर रहा है तो वो इजिली अंडरस्टैंड कर पाए उस चीज को। द प्रोसेस ऑफ नॉलेज रिकवरी फ्रॉम अ डाटा बेस बाय यूजिंग डाटा माइनिंग इज इजिली अंडरस्टैंडेबल बाय द फॉलोइंग चार्ट, जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, इससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे आपके पास कोई भी डाटा बेस है, ठीक है, एक डाटा बेस है आपके पास, तो उसमें से क्या, उसमें होता है एक डाटा वेयर हाउस। यानी डाटा बेस में से डाटा की प्यूरिफिकेशन और डाटा के इंटीग्रेशन करके आपने एक डाटा वेयर हाउस बनाया। उसमें से आपने सेलेक्ट किया डाटा दैट आर रिलेटेड टू कंक्रीट रिसर्च। आपने यहाँ पे ऐसे जब फ्लो चार्ट आप एग्जाम में बनाओगे तो उसमें लिखना है सेलेक्शन ऑफ डाटा दैट आर रिलेटेड टू कंक्रीट रिसर्च। यानी आपको एक, अब सपोज आप किसी भी तरीके की रिसर्च कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपका रिसर्च टॉपिक आपको कहीं पूरा ही ऐसे एज इट इज मिल जाएगा। यानी आपके पास एक बहुत बड़ा डाटा है, उसमें से आपने थोड़ा उसको प्योरीफाई किया, इंटरग्रेट किया, एक थोड़ा सा डाटा वेयर हाउस बना। उसमें से भी आपने सिलेक्ट करना है कि आपकी रिसर्च से रिलेटेड क्या है, फिर उसमें से आपने डाटा माइनिंग करनी है, यानी उसके मीनिंग को जानना है और एक जो अंडरस्टैंडेबल है उस फॉर्म में उसको निकालना है, पैटर्न को इवेल्युएट करना है। यहाँ पे लिखोगे आप पैटर्न इवेल्युएशन, और लास्ट में आपको क्या मिल जाएगी, नॉलेज। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। सबसे पहले डाटा बेस, फिर इसकी आपने डाटा प्योरिफिकेशन और डाटा इंटीग्रेशन के बाद डाटा वेयर हाउस बनाया। डाटा वेयर हाउस में सिलेक्शन ऑफ डाटा दैट आर रिलेटेड टू कंक्रीट रिसर्च, फिर उसकी डाटा माइनिंग करके पैटर्न इवेल्युएट करके नॉलेज को गेन किया। ठीक है, तो ये आपका डाटा माइनिंग का पूरा प्रोसीजर हो गया। अब कुछ आती हैं टेक्निक्स, डाटा माइनिंग की टेक्निक्स क्या है। आपने उसको डाटा पूरा अच्छे से समझ तो लिया क्या है, लेकिन आप उसको किसी तरीके से तो रखोगे ना। तो सबसे पहले है क्लासिफिकेशन। आपने जो समझा आपने उसको क्लासेस में कन्वर्ट करके रख दिया ताकि आगे कोई आए तो वो उसको अच्छे से समझ पाए। द स्टोर्ड डाटा इज ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट क्लासेस। क्लासेस में आपने डाटा को ग्रुप्ड कर दिया, दैट इज क्लासिफिकेशन। दूसरा होता है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग क्या है? डाटा आइटम्स आर ग्रुप्ड इनटू क्लस्टर ऑफ सिमिलर ग्रुप्स। सिमिलर ग्रुप उसके उसी से रिलेटेड कहीं और हो तो आपने उसको वहीं पे क्लस्टर कर दिया, एक जैसी चीजों को एक जगह रख दिया। ठीक है, फिर आते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं उसके थ्रू, या डिसीजन ट्री, यानी एक ट्री शेप्ड रिप्रेजेंट करने के लिए आपके जो भी आपका आया है डाटा माइनिंग, आपने जो नॉलेज गेन किया उसको एक ट्री फॉर्म में आपने बता दिया, दैट इज डिसीजन ट्री। ठीक है,
तो ये टेक्निक्स है डाटा माइनिंग की। फिर आती है प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है हमारा एक्सप्लोरेशन, मीन्स दिस स्टेज यूजुअली स्टार्ट विद डाटा प्रिपरेशन विच में इन्वॉल्व क्लीनिंग द डाटा, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेलेक्टिंग सब सेट्स ऑफ द रिकॉर्ड्स। एक्सप्लोर करना है आपको। दूसरा क्या करना है, मॉडल बिल्डिंग एंड वैलिडेशन। दिस स्टेज इन्वॉल्व कंसिडरिंग वेरियस मॉडल्स एंड चूजिंग द बेस्ट वन बेस्ड ऑन द प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस। आपने क्या करना है, जो आपने डाटा को एक्सप्लोर किया है उसको आपने एक मॉडल के फॉर्म में किया, वो भी अलग अलग तरीके से है, उनमें से आपको जो बेस्ट है उसको चूज करना है। देर आर वेरियस टेक्निक फॉर विच इज यूज फॉर कंपेरिजन ऑफ द मॉडल्स लाइक बैगिंग, बूस्टिंग या फिर मेटा लर्निंग होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डिप्लॉयमेंट, मीन्स दिस स्टेज इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ सेलेक्टेड बेस्ट मॉडल टू न्यू डाटा टू जनरेट प्रिडिक्शन एंड एस्टिमेट ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम्स। अब सबसे पहले मैं आपको दोबारा ये बताऊंगी, जो डाटा माइनिंग की प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आपने डाटा को एक्सप्लोर किया, उसके अंदर क्लीनिंग भी होती है डाटा के, डाटा को ट्रांसफॉर्म करते हो, सबसेट्स ऑफ रिकॉर्ड को भी आप सेलेक्ट करते हो, फिर आप उसका एक मॉडल तैयार करते हो, वेरियस मॉडल तैयार करते हो उसको, फिर उसमें से वैलिड देखते हो कौन सा है, यानी आपके जो इजीली दूसरों को भी समझ आ सके उसके हिसाब से जो उन मॉडल्स में बेस्ट है आप उसको सेलेक्ट करते हो। डिप्लॉयमेंट का क्या है कि अब आपने जो वो बेस्ट मॉडल सेलेक्ट किया है वो कैसे एप्लीकेबल है, यानी वो कैसे आपकी जो प्रिडिक्शन से आने वाले लोगों के लिए जो वो यूजफुल कैसे हो सकता है, या फिर जो आपको आउटकम चाहिए थी वो उससे आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये तीन प्रोसेसेस हैं। अब मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ, अगर आपको डाटा माइनिंग टॉपिक आता है, वैसे अगर ये आएगा तो इस तरीके से भी आ सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी सिस्टम इन डाटा माइनिंग। तो सबसे पहले हमें डाटा माइनिंग की डेफिनेशन लिखनी है। इंपॉर्टेंस में जो उसका मैंने चार्ट बताया था कि शुरू में हमने थोड़ा लिखना है कि डाटा माइनिंग हमारा अल्टीमेट गोल क्या है उसका, वो सब लिखने के बाद फिर उसको फ्लो चार्ट में बनाने के बाद आपके पास, अगर आपको 5 मार्क्स के लिए आया तो फ्लो चार्ट बना दिया आपने वो इनफ हो जाता है, लेकिन फिर भी आप टेक्निक्स ऑफ डाटा माइनिंग अगर आपको अच्छे से याद ना हो तो उसकी जैसे जो उसके सिर्फ नाम है, हेडिंग्स है जैसे क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, डिसीजन ट्री, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, उसके नाम लिख सकते हो। देन प्रोसेस में एक्सप्लोरेशन, मॉडल बिल्डिंग और डिप्लॉयमेंट, ये लिख के भी छोड़ सकते हो अगर आपको कम मार्क्स में, सपोज 2 मार्क्स में ही आ गया तो आपको इनको नाम लिख के ही छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपको 8 मार्क्स के लिए आया, 10 मार्क्स के लिए आया है तो जैसे जो एक्सप्लोरेशन है उसके अंडर क्या क्या आता है, डाटा की क्लीनिंग या क्या करना, मॉडल बिल्डिंग में क्या है, फिर डिप्लॉयमेंट में क्या, इनको आप आगे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये हमारा टॉपिक होगा डाटा माइनिंग। थैंक यू।